पिकअप भी जो हमने इसका पूरा बढ़िया से चेक कर लिया, और पिकअप भी अभी समस्या नहीं आ रहा है इसलिए चेक कर रहे थे, और गाड़ी स्टार्टिंग फॉर्म में समस्या था इसमें, तो फाइनल करके उसके बाद ट्राई करके उसके बाद पूरा फाइनल गाड़ी करके उसके बाद हम लोग कस्टमर को गाड़ी देते हैं पूरा संतुष्ट। तो गाड़ी पूरा फाइनल हो गया। बोलोरो आ रखा है BS6 पिकअप, बोलोरो पिकअप BS6 है मिला उड़िया, इसमें समस्या है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। चलिए हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है क्या प्रॉब्लम है, तो आप शुरू करते हैं वीडियो बने रहे आपको हम बता दें इसमें क्या दिक्कत है, ताइए मीटर के बाद दिखाते हैं। तो देख पा रहे चाबी ऑन करते हैं, तो देख पा रहे चाबी ऑन करनी है, और इसमें देखिए आवाज़ गाड़ी स्टार्ट हो गया, धर धर करके बंद हो जाएगा, देख पा रहे बंद हो गया। फिर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम इग्निशन मारे, नहीं हो पा रहा है, दिख पा रहा होगा, फिर से दिखाते हैं, देख पा रहे, देखिए रेस ले रहे, अब गाड़ी बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया, तो आपको दिख पा रहा होगा। तो इसमें आपको इंजन का आवाज़ दिखा दे, सेलम मारो, तो सेलम मारो, तो स्टार्ट हो गया, आवाज़ देखिए आवाज़ सुनिए, देख मेरे कितना इंजन वाइब्रेशन हो रहा है, इंजन वाइब्रेशन हो रहा पूरा, देखिए रेस लो, बस। तो सबसे इसका पहले सबसे पहले चेक करेंगे फोल्ड कोड क्या आ रहा है, तो फोल्ड कोड चेक करते हैं इसमें आपको बताएंगे फोल्ड कोड का कोड क्या आ रहा है, तो वीडियो में बने रहे आपको। तो देख पा रहे फोल्ड कोड चेक कर रहे हैं इसमें क्या समस्या है, तो देख पा रहे पहला कोड आ रहा है P0088 ए आ रहा है, कंप्यूटर रेल प्रेशर हाई, मतलब ये रेल प्रेशर कोड बन रहा है, मतलब ये रेल प्रेशर कोड बनने का काम ये है कि आपको फ्यूल मोटर प्रेशर से तेल नहीं दे रहा है, कि डीजल फिल्टर तेल नहीं दे रहा है, कि पंप स्विच तेल नहीं दे रहा है, तो इसको चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले बोतल ले लेना है, खाली बोतल है, और इसमें देखते हैं इसमें तेल कितना निकल रहा है, उसको अच्छे से करते इसका तेल का स्थिति क्या है। चाबी ऑन करो, तो देख पा रहे हैं यहाँ बोतल लगा दिए हुए हैं, अब चाबी ऑन करके देखते हैं इसमें कितना तेल आ रहा है, देख पा रहे तेल आ रहा है, तो तेल लाइन देखा जाए तो ठीक है, तो तेल समस्या नहीं होना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अब इसका देखते हैं हम पंप स्विच, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है पंप स्विच में, उसका देख के आपको बताते हैं। ये वाला पंप स्विच को जो देख पा रहे हो कैसा हुआ पूरा, खोलने के बाद चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है कि नहीं, तो वीडियो में बने रहे आप पूरा चेक करते हैं। डीजल फिल्टर खोल लिया, डीजल फिल्टर अभी ठीक था, नया है पूरा, अब इसको साफ करके देखते हैं पंप स्विच। तो हमने पंप स्विच खोला है, देख पा रहे यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वीडियो मेरे देखे, तो इसको दाबने पर बजता है टक टक, खाली इसमें से पोछी निकला ही हो तेल, तो इसको बढ़िया से अभी पेट्रोल से साफ करेंगे और साफ करके देखेंगे। बोरिंग निकालने थे, क्योंकि बोरिंग पेट्रोल पड़ने पे बोरिंग खुल जाता है, इसको पहले से जमा देने, इसको बजना चाहिए टक 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 टक, तो नहीं बज रहा है, इसको साफ करेंगे बढ़िया से।
होगा उसके बाद दिखाते हैं आपको। ना पेट्रोल से पूरा साफ कर रहे हैं एक बार। आपको आवाज दे रहा होगा टप टप, इसको बढ़िया से साफ करना है। तो फाइनल हो गया, अब इसको कसते हैं। यहाँ पे लगेगा पहले, तो ये निकालेंगे आपको। लॉक लग गया पूरा, तीनों टाइट हो गए बढ़िया से। अब डीजल फिल्टर लगाएंगे। डीजल फिल्टर लगाने के बाद आप चारों नोजल का कॉर्ड निकाल दिए हुए, अब ये टाइमिंग ये निकाल के उसके बाद स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। डीजल फिल्टर कसा गया ठीक है, अब उसके बाद ये निकालते हैं। ये निकाल के आपको दिखाते हैं, चलो मारिए स्टार्ट। तो हमने फाइनल नोजल का ये निकाल दिया, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। द गाड़ी स्टार्ट करिए, तो आप देखिए गाड़ी का कितना अच्छा आवाज़ है, जो दिख पा रहा होगा, और इसमें कोई समस्या नहीं है। जो था आपको पंप का और इसका इंजेक्टर का, जो पंप स्विच बैठ गया हुआ था इसीलिए दिक्कत आ रहा था। दिखाई था तो देख पा रहे हैं मीटर में कोई चाबी नहीं है, चेक लाइट देख पा रहे हैं। और एक बार गाड़ी हम चला के चेक करेंगे, इसमें जो पिकअप समस्या क्या इश्यू है उसको कंप्लीट करेंगे, और मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। फिर से नहीं हुआ तो स्टार्ट करके दिखा देते हैं। देख पा रहे हैं चाबी ऑन कर दिए और स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख पा रहे, तो गाड़ी स्टार्ट हो गया फाइनल। अब उसका चला के एक बार चेक करेंगे इसमें क्या इश्यू है। कस्टमर को गाड़ी देते हैं पूरा संतुष्ट। तो गाड़ी पूरा फाइनल।